Anshul, what is the definition of first program? किसका? जावा का फर्स्ट प्रोग्राम क्या मैंने बताया आपको? फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स. ओके, सम ऑफ टू नंबर्स दोनों दिए हैं, इंटीजर एंड डेसिमल, दैट इज फ्लोट. अब मेरे साथ कवि, काशु, अंशुल, ध्यानचंद. द फर्स्ट लाइन इज पब्लिक क्लास क्लास नेम. अब ये हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल. ओके, सो तो मेरे क्लास का नाम दे रही हूं मैं बेसिक प्रैक्टिकल. अब इसी नाम से मैं अपनी फाइल को सेव करूंगी. प्लीज एवरीवन ध्यान से, बेसिक प्रैक्टिकल डॉट जावा. ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम स्ट्रिंग argv. This is the syntax that everyone knows, right? Now the first program is addition of two numbers. So if it is a whole number, then take int. I'll assign int a5, b2, and c is 0. Now see answer. C is equals to a plus b. To display system.out.println sum of two numbers is equal to plus c. Kashu, kahan ho beta? Ma'am, yeah. Execute kar rahe beta ye? Now for decimal number, Manav, for decimal number, which data type we have to use? Double and float. Yes, float and double, right? Float. Float, I'll take x is equal to the value 4.2. Please make sure floating point hai data type, so wo and hoga f se. राइट, एस इज द सफिक्स कि जो डिजिट के बाद आएगा ही. क्लियर? नाउ वाई इज इक्वल टू 2.1 एस, जेड इक्वल टू 0.0 एस. तो कि मैम एस क्यों? इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, सो यू हैव टू असाइन एस एट द एंड. सिर्फ फ्लोट में ही ऐसा करना है और किसी में नहीं, राइट अंशु? अब देखिए z is equals to x plus 1 and then system.out.println sum of 2 floating point number is equals to plus z. Ashu, Kavi, Anshu, execute कर रहे बेटा? मैम मेरा मैंने re-execute किया तो आ गया answer. Perfect. आप screen share कर सकते हैं? Output आ गया ना? Okay, चलो कोई बात नहीं. Output आ गया. Done. Kavi? Output आ गया बेटा? मैम नहीं, लिख रहा हूँ मैम. Okay, लिख लीजिए. मानव यहाँ पे कुछ पूछना है बेटा आपको, तो पूछ लीजिए अभी. फिर मैं आगे नेक्स्ट प्रोग्राम पे जा रही हूँ. नो मैम.
tools. Go. देख लो कवि आंसर देख लो. यस सम ऑफ टू इंटीजर नंबर. अंशुल ये समझ आ रहा है ना, आपने जो बताया वो कॉनकैटेनेशन था, अभी हमने जो किया वो डिफरेंट एडिशन है इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट पे. मैम मैंने तो एक इंटीजर बनाया और एक फ्लोट नंबर लिया और दोनों को ऐड कर दिया. तो इंटीजर में ऐड करेंगे तो कैसे होगा? आ गया आंसर. तो जो बड़ा आ गया हो गया कंटेनर जो बड़ा है उसमें स्टोर कीजिए तो परमानेंट स्टोर हो जाएगा. ओके हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा था? मेरा सब्ट्रैक्शन भी हो गया. वेरी नाइस सब्ट्रैक्शन है ना. दिस इज माय प्रोग्राम 1. ओके अब सेकंड प्रोग्राम है सब्ट्रैक्ट 2 नंबर. प्रोग्राम 2 कौन से नंबर्स हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं? वो तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया था तो मैंने इंटीजर ही किया है. ओके तो मैं डायरेक्टली यहां पे कर दूं सी इज इक्वल्स टू ए माइनस डी एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन एन डिफरेंस इज इक्वल्स टू सी राइट. Out of D, go. Difference 3, perfect. 5 minus 2. Right, Mano? Ashu? Difference of 2, integer number. Anurima, perfect beta? Amen. Okay. Next question. बोलो प्रोग्राम 3 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट. ओके फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. दैट फॉर्मूला इज पीआरटी अपॉन 100 राइट. सो फॉर द सेफर साइड आई विल टेक डबल डेटा टाइप क्योंकि पीआरटी कुछ भी हो सकता है. Right, Anshu? It can be integer, it can be float, Kavi. So I'll take P. P is equals to whatever, 1,20,000. Rate of interest is 6.5% rate of interest and duration is 3 years. Okay? So answer is equals to PRT upon 100. System dot out dot print ln simple interest is equals to answer. Two lakh 34,000. मैं check कर लूँ कैलसी में. 23,400 आ रहा है. ओके यस मैंने गलती की देख ली. तो 23,400 राइट. ताशु आप कर रहे बेटा? यस मैम. कहीं पे रुके तो आप मुझे बोल दीजिए. और लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? मैम कॉल वाला. कॉल चार्ज इज 0.50 पैसा. The call rate, I can see. Number of calls aapko assign karne hai user se and find net bill amount after adding 8% interest. Right? So check it out. Again it is in float so safer side mere liye to double data type best hai kyunki wo kahin pe rukti nahi hai right. So double call rate
50. नंबर ऑफ कॉल्स कितने डालेंगे? 100? नहीं, 100 तो कम है, 1000. ओके, सरचार्ज एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड नेट बिल अमाउंट. ओके, आप ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं, पर अगर जब आपके स्कूल में एग्जाम में पूछा है तो ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ नहीं लेंगे, ऐसे प्रॉपर नाम देंगे. क्या ये समझ आ रहा है आपको? तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम बिल अमाउंट. तो बिल अमाउंट इज इक्वल टू कॉल रेट इनटू नंबर ऑफ कॉल्स. नाउ सरचार्ज इज इक्वल टू बिल अमाउंट इनटू 0.08, राइट? नाउ नेट बिल अमाउंट इज इक्वल टू बिल अमाउंट प्लस सरचार्ज एसओपी. ये समझ आ रहा है आपको हम क्या कर रहे हैं? ये कवि, ताशु, अनुरिमा, ये समझ आ रहा है आपको? यस मैम. चलो, मैंने कुछ गलती के सर चार्ज इज इक्वल टू बिल अमाउंट, तो बिल अमाउंट एएमटी है. परफेक्ट. 540 इज माय बिल अमाउंट, चेक इट आउट. लास्ट क्लास में मैंने जो सिखाया था उसकी आज मैंने ये रिवीजन करवा दी. नाउ अब आगे मैं लेके जाने वाली हूँ, पहले ये प्रैक्टिकल खत्म कर दीजिए, फिर आगे की नेक्स्ट थियरी वो हम शुरू करेंगे, दैट इज ऑपरेटर्स.